नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर गृजेश सिंह मेहरा और मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। गिरिजेश जी, आज के अंक में हम दर्शकों के लिए क्या खास लेकर आए हैं? जी शालिनी जी, पिछले अंक में हमने अपने दर्शकों को कृषि विषयों में अधिक जानकारी हेतु एक व्हाट्सएप नंबर दिया था, जिसमें किसानों ने अपनी समस्याएं एवं जानकारी हेतु विषय हमें भेजे। उसी आधार पर हम आज के अंक में गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बायो फर्टिलाइजर्स यानी जैव उर्वरकों, ट्राइकोडर्मा के उपयोग, चने की फसल में रोग प्रबंधन और मौसम की जानकारी भी देंगे। किसान भाइयों, रवि फसलों की अगर हम बात करें तो रवि फसलों में गेहूं सबसे महत्वपूर्ण फसल है, जिसकी बुआई अक्टूबर माह से शुरू हो जाती है। इसलिए किसानों को अपनी भूमि तैयार करने के साथ साथ अच्छी किस्मों का चुनाव भी करना चाहिए। जी बिल्कुल, पूसा संस्थान ने गेहूं की कई उन्नत किस्में विकसित की हैं, जो किसानों के बीच काफी विख्यात भी हैं। अब हम आपको पूसा संस्थान द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी देंगे, जिसे बता रहे हैं पूसा संस्थान के गेहूं विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर यादव। हमारी दो किस्में पूसा की HD CSW 18 और HD 3226, जो बहुत ही उपयुक्त है, उनको आप अक्टूबर के आखिरी हफ्ता में धान की फसल काटने के तुरंत बाद सीधे बुआई कर सकते हैं, और अगर आप बाहर जुताई करके भी बोना चाहें तो भी बो सकते हैं। दोनों किस्में बहुत ही उपयुक्त है, एक ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जब जल्दी बुआई करते हैं तो अक्टूबर के माह में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो नमी जल्दी सूख जाती है, तो कोशिश करें शाम के टाइम बुआई करें। ये जो हमारी दोनों किस्में HD CSW 18 और HD 3226, ये 60 मन प्रति एकड़ या 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से ऊपर पैदावार दे जाती है, अगर जब आप अक्टूबर के आखिरी के अंदर इनकी बुआई करें। हमारी दो अन्य किस्में हैं HI 1621, HD 3271, ये लेट सोन और वेरी लेट सोन कंडीशन, यानी जैसे पर्टिकुलरली जब शुगर केन की कटाई के बाद हम बुआई करते हैं तो उनके लिए बहुत ही उपयुक्त है। एक हमारी अन्य किस्म है जो HD 3249 है, जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन के लिए रिकमेंड हुई है, ये भी हमारी बहुत ही उत्तम किस्म है। हमारे परीक्षण के दौरान हमने पाया कि ये HD 2967, HD 3086 और दूसरी अन्य किस्मों से अधिक पैदावार दी है इस किस्म ने। तो मैं किसान भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि इस किस्म को जरूर अपनाएं, HD 3249 NEPG, खासकर बिहार और UP में। और एक अन्य चीज़ जिसको आप उपयोग में लाके अपने गेहूं की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, जब गेहूं की बाली निकल चुकी हो तब उस दौरान बाली निकलने के बाद जब दाना बनना शुरू होता है उस टाइम NPK का स्प्रे जरूर करें, जिसके अंदर तीनों तत्व प्रेजेंट हो उनका स्प्रे करें तो दानों के अंदर उनकी दानों की मोटाई भी बढ़ती है और उनमें चमक भी आ जाती है। शालिनी जी, अच्छी फसल और अच्छी उपज लेने के लिए मृदा का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। अपनी मृदा उर्वरकता तथा फसल उत्पादकता को बढ़ाने हेतु किसान भाई पूसा संस्थान द्वारा विकसित बायो फर्टिलाइजर्स यानी जैव उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक इत्यादि पोषक तत्वों का सदुपयोग होता है तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में 25-30% तक की कमी भी की जा सकती है। आइए अधिक जानकारी हेतु आपको सुनवाते हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर YV सिंह जी को। दाल की फसलों के लिए राइजोबियम का टीका प्रयोग करते हैं, जैसे ये मसूर के लिए है, ये मटर के लिए है, तो जितने भी दाल वाली फसलें हैं उनके लिए अलग अलग राइजोबियम का टीका प्रयोग होता है। इसके अलावा दूसरी फसलों के लिए भी जीवाणु खाद हैं, जैसे ये एजोटोबैक्टर है, जो दाल जातीय फसलों के अलावा जो फसलें हैं जैसे गेहूं है, सरसों है और सब्जियां हैं, उनके लिए प्रयोग होता है। इसके अलावा एजोस्पर्म है, जो मोटे अनाज है, मक्का है और जो भी मोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए प्रयोग होता है। इसके अलावा दूसरा पोषक तत्व जो है फास्फोरस, उसके लिए PSB फास्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं, उसका टीका ये है। और ये PSB जो है ये सभी फसलों में प्रयोग किया जा सकता है। ये जीवाणु खाद दो तरह के फॉर्मुलेशंस में उपलब्ध होते हैं, एक तो होता है पाउडर वाला फॉर्मुलेशन, जैसे ये है राइजोबियम है, PSB है, एजोटोबैक्टर है, ये दूसरे ये लिक्विड फॉर्मुलेशन में भी उपलब्ध हैं। मगर ये जो भी पूसा संस्थान में जितने भी उत्पाद हैं ये
एक एकड़ के लिए एक पैकेट या एक सीसी जो 50 ml की है, ये एक एकड़ के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है। तो अब मैं बताऊंगा कि बीज का उपचार कैसे करते हैं। उसके लिए हमने ये मसूर का बीज लिया है जो अभी बोने का समय चल रहा है। मसूर का बीज लेते हैं और जितना एक एकड़ में जितना बीज लगता है वो हम ले लेते हैं। और मसूर के लिए हम जो मसूर वाला राइजोबियम का टीका प्रयोग करेंगे और इसके साथ साथ हम पीएसबी बीज के साथ प्रयोग करेंगे। और प्रयोग करने के लिए हमने गुड़ 5% घोल बनाया है। गुड़ का 1 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ हमने घोला है और उसको हमने उबाला है, अच्छे से उबाला है और उबालने के बाद ठंडा किया है। और ये हमारा वो तैयार है, ठंडा करने के बाद तैयार है घोल। राइजोबियम का टीका लिया है, इसको हम अब ये हमारा जो घोल है गुड़ का घोल उसमें मिलाएंगे। एक साइड से इसको काट लेंगे और इस राइजोबियम का टीके को हम इस घोल में मिलाएंगे। ये टीका जो है ये एक एकड़ में एक पैकेट लगेगा। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसको धीरे धीरे इसको बीज के साथ मिलाएंगे और हाथ से इसको धीरे धीरे मिलाते रहेंगे। और ध्यान ये रहेगा कि सारे बीज पर ये टीका लग जाए और बीज गीले हो जाएं। उसके बाद बीज जब गीले हो जाएंगे तो उनको सूखने के लिए फैला देंगे। और ये सारी प्रक्रिया जो है बीज उपचार की वो हम छाया में करेंगे, धूप में बिल्कुल नहीं करेंगे। और उपचारित बीज को छाया में सुखाएंगे और सुखाने के बाद जितना जल्दी हो सके उसको उसी दिन खेत में उसकी बुआई कर देंगे। तो जो बायो फर्टिलाइज़र का जो दूसरा जो फॉर्मूलेशन है लिक्विड फॉर्मूलेशन, उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उस वो इस तरह के टीके होते हैं, 50 ml के टीके है जो एक एकड़ के लिए। उसके लिए हमें गुड़ का घोल बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमको करना ये है कि हम बीज की मात्रा के हिसाब से इसको डाइल्यूट कर लेंगे, इसमें पानी मिला लेंगे और इतना पानी मिलाएंगे ताकि बीज पूरा गीला हो जाए। और उपचारित होने के बाद हम उसको बीज छाया में सुखाएंगे और उसके बाद उसकी बुआई के लिए हम जा सकते हैं। शानी जी, बायो फर्टिलाइजर्स यानी जैव उर्वरकों के फायदे तो हमने अपने किसानों को समझा दिए, ट्राइकोडर्मा के उपयोग से भी किसान विभिन्न रोगों का प्रबंधन कर सकते हैं। आइए अधिक जानकारी हेतु आपको सुनवाते हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद जी को। ट्राइकोडर्मा लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बीमारियों को रोकता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम बीज उपचार करेंगे। अगर हमको पाउडर फॉर्म में ट्राइकोडर्मा मिलता है तो उसका उपचार जो रासायनिक फफूंद नाशक है उससे बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि ट्राइकोडर्मा एक बहुत ही हल्के फंगस होती है जो कि पानी में डालने पर ऊपर तैर जाती है। और जब पानी में डालने पर ऊपर तैर जाएगी और फिर उसके बाद हम बीज डालेंगे तो बीज नीचे जाएगा और ट्राइकोडर्मा ऊपर तैरता रहेगा, तो वो बीज के संपर्क में नहीं आ पाता। इसीलिए इसकी विधि बिल्कुल उसके उल्टे है जैसे कि हम रासायनिक फफूंदनाशक से करते हैं। तो वो हमको दिखाते हैं कि इसकी कैसे किया जाए। करो डालो, जैसे बीज को पहले हम किसी बर्तन में कर लें, उसमें फिर हम थोड़ा सा पानी डालें, उसके बाद हम बीज को मोस्ट कर लेते हैं जिससे कि उसकी सरफेस पर मॉइस्चर आ जाए। फिर उस बीज को हम किसी ट्रे में या पॉलीथीन सीट पर डाल करके ऐसे करके डाल लेंगे और इसके ऊपर फिर हम पाउडर को छिड़क देंगे। ये हम तोल करके डालते हैं इसे। इसकी जो मात्रा है 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से रखते हैं। अगर बड़ा बीज है तो आप 5 ग्राम रखें और छोटे साइज का बीज है तो 10 ग्राम रखें। जैसे कि ये सरसों का बीज बहुत कम है, छोटा बीज है, इसमें हम 10 ग्राम के लगभग ट्राइकोडर्मा डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर दो। अब इसे हम मिलाएंगे तो बीज की सतह पर ट्राइकोडर्मा के कोनिडिया और माइसिलियम लग जाएंगे, जिससे कि जब बोएंगे तो उसके साथ ही वो मिट्टी में चले जाएंगे और वहाँ पर अंकुरित करके पौधे को सुरक्षित करेंगे। इस तरह हम उनके सीड कोटिंग कर लेते हैं। सीड कोटिंग के बाद फिर थोड़ा सा
सुखा के और इसकी हम बुवाई कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे गोबर की खाद को मैं ट्राइकोडर्मा को कैसे उपचारित करें कि उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए और हम खेत में डालने से पहले उसे तैयार कर लें। तो ये अब आप देख रहे हो कि ये गोबर की खाद का ढेर है जो कि उत्तम गुणवत्ता वाला गोबर है। इसके ऊपर हम ट्राइकोडर्मा पाउडर को इस तरह से डाल देंगे। इसको हम इस तरह मिला देंगे। मिलाने के बाद जब पूरा ढेर मिल जाए और पूरा ट्राइकोडर्मा इसमें मिक्स हो जाए, उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको हम ढक देते हैं, लेकिन ढकने का तरीका और समय दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर गर्मियों के दिनों में हम गोबर की खाद में मिक्स करके ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम जूट की बोरी से उसे ढकेंगे और छायादार जगह पर 15 दिन के लिए छोड़ देंगे, और अगर हम सर्दियों के दिनों में कर रहे हैं तो उसे हम पॉलीथिन की शीट से ढकेंगे, उसे हम इस तरह ढक देंगे। इस तरह से ढक के और यहाँ पर ईंटें लगा देंगे चारों तरफ, और फिर 5 से 7 दिन के अंतराल पर एक टर्निंग दे देंगे इसमें और दोबारा से ढेर बना के फिर से ढक के छोड़ देंगे, और जिस दिन हमें उपयोग में लाना है उस दिन पॉलीथिन हटा के फिर से हम उसे उपयोग कर लेंगे। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में चना एक महत्वपूर्ण फसल है। पिछले अंक में हमने आपको चने की उन्नत किस्मों के बारे में बताया था, आज हम आपको रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी देंगे। खास तौर पर चने में विल्ट की समस्या, जिसको हम उकठा रोग भी कहते हैं, इस समय काफी आ जाता है और कई किसान इसकी रोकथाम हेतु जानकारी चाहते हैं। आइए इस बारे में आपको सुनवाते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर एससी दुबे जी को। जैसा कि किसान भाइयों को पता है कि चना एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है और इसमें एक फफूंद से लगने वाला मलानी रोग है जिसको उकठा भी कहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा क्षति होती है। प्रारंभिक अवस्था में रोग लगने पर 70 से 80% की क्षति हो जाती है, और इसका नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को बुआई के समय से ही ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि ये रोग बीज और मृदा जनित है, किसान भाई को ध्यान देना है कि जब भी वो खेत में बुआई करें बीज को उपचारित अवश्य करें। बाजार में कार्बेंडाजिम बेवेस्टीन नामक एक दवा मिलती है और एक थीरम नामक दवा मिलती है, दोनों दवा की 1.25 ग्राम मात्रा लेकर के, या 1-1 ग्राम भी ले लें किसान भाई तब भी चलेगा, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम या 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज की दर से उपचारित कर लें, शुष्क बीज उपचार करें। साथ ही साथ किसान भाई अगर इसमें चाहें तो उनके अगर क्षेत्रों में ट्राइकोडर्मा का कोई उत्पाद मिल रहा हो, इसलिए जो भी उनको उत्पाद मिल रहा है वो उत्पाद ले लें और उसका 6 से 7 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज में उपचारित करें। दूसरा, किसान भाई अगर सबसे उचित तरीका है इसका कि अवरोधी किस्मों का उपयोग करें, जैसे पुरानी प्रजातियों में पूसा 212 है, अवरोधी है, उस किसान बहुत अच्छी तरह लगाते हैं, तो पूसा 30, 42, 30, 62 और भी बहुत प्रजातियां हैं जो कि आपको इसकी सूचना आपने KVK पास के KVK से या कृषि विश्वविद्यालयों से मिलेंगी, उससे लेकर के अवरोधी प्रजातियों को लगाएं। लेकिन एक मेरी सलाह अवश्य रहेगी कि अवरोधी प्रजाति को जब लगाते हैं तब भी उसका बीज उपचार अवश्य करें। अब हम आपको मौसम से जुड़ी जानकारी देंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए वर्षा पूर्वानुमान के अनुसार उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। असम, मेघालय, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, रायलसीमा, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक आपको पसंद आया होगा। आप सब दर्शकों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। अपनी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। पूसा समाचार के साथ हम फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए नमस्कार।